नमस्कार, मैं टीना भाटिया और सर बलराम दास। बेसिकली हम दोनों एक्टर हैं और मेरा बैकग्राउंड रहा है डांस का, कथक नृत्य का। और ये मेरी छोटी सिस्टर हैं जो कि अभी डॉक्टर पुरुदाधित सर की गंडावन शिष्या है। सो जैसा कि आपने पूछा आज की जनरेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे, सी जब हम लोग डांस कर रहे थे तब बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए टफ थी, बट आज के दौर में जिस तरीके की शिक्षा दी जा रही है, स्कूलों तक डांस पहुंच चुका है, सबके सिलेबस के अंदर है, सो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। सो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि हम लोग इस विधा से जुड़े हैं, हम रंगमंच से जुड़े हुए हैं और हम नृत्य से जुड़े हुए हैं। तो मैं खुश हूँ और हमेशा आशा करूँगी कि इसी तरह से आगे बढ़ती रहे चीज़। मैम, जैसे कि हमने देखा कि आप तो जब ऐसे परफॉर्मेंस होते हैं तो कितना मतलब एक्साइटमेंट होता है, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली जब भी पता चलता है कि हमें कहीं परफॉर्म करना है तो एक्साइटमेंट की बात तो छोड़िए, एक पहले से एक टेंशन स्टार्ट होता है कि कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, ऑडियंस का क्या रहेगा, सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। बट जब गुरुओं का आशीर्वाद हम पर होता है तो वो जो टेंशन रहता है वो फिर एक्साइटमेंट में बदल जाता है। जब आपकी ऑडियंस आपके सामने आती है, आपका मंच आपको दिखता है और जब आप खड़े होते हैं तो आप सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं और आप जो प्रेजेंटेशन देते हैं वो डायरेक्ट आप भगवान को ही कनेक्ट करते हैं। पहली बात तो ये है कि मैं अभिनय से जुड़ा हुआ हूँ, तो अभिनय भी नृत्य में भी अभिनय होता है। तो हम जब स्टूडेंट थे, अभिनय जब सीख रहे थे एनएसडी में, तब भी काफ़ी ऐसे नृत्य देखने का मौका मिलता था, स्पेशली कथक, क्योंकि कथक केंद्र भी वही था दिल्ली में, अभी भी है, मतलब हमारा कैंपस और कथक केंद्र का एक साथ ही। तो आज ये मौका मिल रहा है बिकॉज माई सिस्टर इन लॉ इज परफॉर्मिंग हियर एंड हिज गुरुजी जिन गुरुजी इज देयर, और मुझे इस बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन आज जब मैं ये नृत्य देख रहा हूँ तो मुझे दो चीज़ों ने बहुत इंस्पायर किया, क्योंकि दो डिसाइपल्स ऐसे थे जो एक कैंसर सर्वाइवर है, जो उसके बावजूद वो डांस करके आगे बढ़ रही है, और दूसरी जो UPSC क्लियर करके टैक्स ऑफिसर है। ये काफ़ी इंस्पायरिंग है कि उन्होंने कहाँ से वक्त निकाला, इतना डिसिप्लिन वे से एक विधा को सीखना, उसको उतने उत्कृष्ट ढंग से प्रेजेंट करना, ये हम अभिनेताओं के पास उतना पेशेंस नहीं है। हम बहुत जल्दबाजी करते हैं, हम खाली रिजल्ट पे दौड़ते हैं कि हम कितना ग्लैमर को पकड़ लें, लेकिन मुझे नहीं लगता ये लोग ग्लैमर के पीछे भाग रहे हैं। साधना है ये, दिस इज कनेक्शन टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो आई एम वेरी प्राउड कि आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई सिस्टर इन लॉ एंड शी इज डूइंग वेरी वेल। And this is the first time that he is going to watch my performance. So I'm really glad that I'm part of this. Thank you so much. Thank you so much. Good evening for all of us.
because all three of us are the Gandaband Shagird of Guru Dadich Ji. And the meaning of this is, a Gandaband Shagird is that we are the Uttaradhikari. He's thought that we can do something and we can take his work forward. So it's a huge responsibility on of us to take this forward. And we are truly blessed that he's chosen us for this particular responsibility. We just saw you performing, it was really lovely. Please tell us about your performance today. I'm Shreyas Aparwal, the disciples of Guru Shrimati Shubhada Varadkar. So last time Ashiki Utsav Mumbai mein jab tha, that time I called Tosh and I said ki you want to perform something jo Guruji ne itne sare poetry likhe, itna sare unki pura compositions hai, you want to do one piece in Odissi dance form. Baki to all the students are, you know, usually performing in Kathak art form. So then Guruji was very happy and he said ki aap Tripureshwari pe kijiye, Odissi dance form mein bahut acha lagega. So we are so thankful to Guru Dajit ji ki unhone humko ye opportunity diya ki unhone banaya hua itna khoobsurat sahitya ko hum Odissi dance form mein present kar paaye. Aaj humne Tripureshwari vandana present kiya hai jo Guru ji ne khud likha hai aur itna khoobsurat uska composition hai. We are really thrilled to perform that. Usme jo Odissi ka jo lyrical beauty hai wo is gaane se ekdam bahut badhiya bahar aaya hai, aise mujhe laga. हमारे गुरु शुभदा वराडकर जी जिनसे हम ओडिसी सीखते हैं, उन्होंने गुरु जी का एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, तब हम वहाँ प्रेजेंट थे. हम इतना नॉलेज मिला हमें गुरु जी से, तो हमने डिसाइड किया कि हम कुछ गुरु जी को ऑफरिंग में दें उनके लिए. सो दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड दैट वी विल परफॉर्म ऑन हिज कॉम्पोजिशन कोरियोग्राफ्ड बाय आर गुरु. सो इट इज़ अ प्रॉपर फ्यूजन. हम लोग फ्यूजन की बात करते हैं, फ्यूजन बिटवीन टू ब्यूटिफुल क्लासिकल डांस फॉर्म्स, कथक एंड ओडिसी, कथक म्यूजिक, ओडिसी डांस स्टाइल. नमस्ते, मैं हर्षिता शर्मा दादी हूँ. आई एम गुरुजीज़ डॉटर इन लॉ. टुडे आई विल बी परफॉर्मिंग रामायण का प्रसंग, अगर आप लोगों को पता हो पंचवाटी का प्रसंग है जिसमें सीता जी गौरी की पूजा करने के लिए मंदिर जा रही हैं. वो एक छोटा सा प्रसंग गुरुजी ने जो कोरियोग्राफ किया है उसको मैं आज प्रेजेंट करने वाली हूँ. आई एम वेरी थैंकफुल टू गुरुजी कि उन्होंने मुझे अपना डिसाइपल और घर का सदस्य चूज़ किया. थैंक यू सो मच. नमस्कार, मैं दमयंती भाटिया भरद्वाज इंदौर से. आज मैं जो प्रस्तुति करने जा रही हूँ वो कंपोजिशन और कोरियोग्राफी दोनों ही गुरुजी की है, डॉक्टर गुरु दादी जी की. और मेरे साथ में जो परफॉर्म करने वाले हैं वो मेरे ही डिसाइपल्स हैं, अंबिका मालवीय एंड ऋषिका राणा. थैंक यू. आज यहाँ नृत्य स्मृति और नट रवि, ये दो संस्थाओं द्वारा बहुत ही अच्छा शास्त्रीय नृत्य का कार्यक्रम हो रहा है. कथक के महान गुरु गुरु श्री गुरु दाधी जी और विभाजी के स्वागत में ये हो रहा है. विभाजी को कल महामहोपाध्याय की पदवी मिल रही है, उसके आनंद में ये कार्यक्रम हो रहा है. और मुझे बहुत खुशी है कि स्मृति तलपदे जी और सुनील संकारा जी अपने गुरु के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं. इस कार्यक्रम में गुरु गुरु दाधीज इन्होंने रची हुई एक रचना त्रिपुरेश्वरी की आरती मेरी शिष्याएं, जो कि ओडिसी नृत्य करती है, मिताली बराड़ और श्रेया सभरवाल, इन दोनों ने प्रस्तुत की और उन्हें ये मौका आयोजक के अंदर दे दिया है, इसलिए मैं इनके बहुत ही आभारी हूँ. ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हमारी कथक नृत्य और सभी शास्त्रीय नृत्य कलाएँ हमारी संस्कृति की एक धरोहर है, बहुत ही संपन्न धरोहर है.
और इसका जतन करना, इसका संवर्धन करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे बहुत खुशी है कि आजकल के ये जो यंग जनरेशन है वे भी इन नृत्य कलाओं में आनंद लेती है और इसे प्रस्तुत करती है। आज शाम के जितने भी कार्यक्रम रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति रही है सबकी, और सुनील सुनकारा नटरवी के जो डायरेक्टर हैं और स्मृति जी दोनों ने मिलके ये कार्यक्रम किया है आज, और इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और सुनील को शुरुआत से लेके अब तक मैं देखती आ रही हूँ और आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये देख के बहुत प्रसन्नता होती है। और आज अच्छा लग रहा है इस प्रोग्राम में आके। ज़्यादा सौभाग्य है कि गुरुमा को जो कल डीलिट की महाउपाध्याय की पदवी जो कल मिल रही है, कांधद महाविद्यालय जी जो दे रहे हैं, वो यहाँ पे सब लोग देख पाएंगे, अपनी आंखों से देख पाएंगे, एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है शहर के लिए। और मुझे कैसा लग रहा है, मतलब ये तो मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि मैं गुरु जी के साथ जुड़ पा रही हूँ। मैं अभी एक प्रोडक्शन भी अपना ला रही हूँ जिसका नाम है बंसी लीला, और गुरु जी ने उसकी स्क्रिप्ट की है। तो आज यही मीडिया के सामने मैं बोलना चाहती हूँ कि गुरु जी ने इतनी सुंदर उसकी स्क्रिप्ट की है और गुरु जी उसकी कोरियोग्राफी भी कर रहे हैं और म्यूज़िक में भी वो सब वही गाइडेंस कर रहे हैं। तो बहुत अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब म्यूज़िक तैयार हो और कब हम इस प्रोडक्शन को जल्दी से जल्दी ला पाएँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो परफॉर्मेंसेज आपने पूछा कैसे, एक से बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंसेज, क्या बोल रहे हैं, सभी बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत अच्छे।